जैसे आपका सब सवाल है सबसे पहले कि हमें कौन सा चार्ट कब लेना है, एक कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको चार्ट की जो तो टाइप है ना, चार्ट के टाइप पे आपको जो है थोड़ा सा फोकस करना होगा, समझना होगा चार्ट के टाइप क्या क्या हो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में आपका बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों आते हैं, बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट आपके दोनों आते हैं। इसका यूज होता है कंपेयरिंग के लिए। कंपेयरिंग मतलब कि मुझे एक लेजेंड से दूसरे लेजेंड के बीच में देखना है कि कौन ज्यादा हुआ कौन कम हुआ। ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट में भी दो चीजें हैं, एक आपका स्टैक कॉलम है, एक आपका कर्सर है। अब जैसे कर्सर मैंने लिया, इसमें क्या हुआ कि मैंने कंट्री रख दिया और यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी रख दी, तो यहाँ पे कंट्री वाइज क्वांटिटी का सेल्स का कंपेयरिंग आ गया। अब मान लीजिए इसी में अगर नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है क्या? अच्छा इसके आंसर आप देखिए, एक मिनट दीजिए, एक अच्छा तो आप इस पे है ना, टीम्स पे है ना, इसमें म्यूट पे है। अरे हमारे स्क्रीन हाँ, तो ये कॉलम चार्ट है। अब इसमें भी अगर आप ये लेते हैं या फिर बार चार्ट ये लेते हैं तो इसका यूज जस्ट होता है सिंगल में। लेकिन इसी पे अगर मान लीजिए प्रोडक्ट हमने रख दिया तो प्रोडक्ट वाइज कुछ इस तरह से हो जाता है जिसकी कंपेयरिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे जब आपके पास लेजेंड, जब आपके पास लेजेंड ज्यादा हो तो क्या करेंगे हम, यूज करेंगे अपना स्टैक चार्ट। जो कि देखिए स्टैक चार्ट में क्या होता है कि हमारा एक ही बार बनता है, एक ही बार या एक ही कॉलम बनता है उसमें उसके पार्टीशन, राइट? तो समझ में आया कि अगर आपके पास आपको कंपेयरिंग करनी है, आपके पास लेजेंड कम है तो आप कॉलम या बार चार्ट यूज करेंगे। आपके पास अगर लेजेंड ज्यादा है और आपको कंपेयरिंग करना है तो क्या करेंगे, आप स्टैक चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यूज बताते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का यूज होता है फ्लो देखने। जैसे मान लीजिए मुझे डेट वाइज सेल्स का फ्लो चाहिए, डेट वाइज सेल्स का फ्लो चाहिए। तो ऐसे केसेस में से मैंने यहाँ पे डेट रख दिया, तो यहाँ से मैं हेडिंग को हटा देता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी रख दिया, तो ये मुझे सेल्स का फ्लो दिख रहा है। जैसे हमें इसका जब हम लोग शेयर मार्केट का जो सेल्स का जो शेयर मार्केट के जो ट्रेड देखने हैं तो ट्रेड में हमें दिखना होता है कि स्टेबल कहाँ है। यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबल है, बीच में स्टेबल है, डाउन बहुत कम हो रहा है, अप कुछ कम हो रहा है। तो हमें कंपेयर करने के लिए, फ्लो देखने के लिए यूज करना होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में अब मान लीजिए कि आपके पास लाइन में दो तीन लाइन आपको देखना हो, जैसे मुझे रीजन वाइज लाइन चाहिए तो एक उतने लाइंस यहाँ पे आपको देखिए बनते जा रहे हैं। एक मिनट, काफी ज्यादा हो गया क्योंकि हैरिकल जो है हैरिकल इसको मंद हुआ है। यहाँ पे दो तीन लाइन बनता है तो हम इसको दो तीन लाइन आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको एरिया चार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर दो तीन लाइन है इस पे एरिया चार्ट करेंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। एरिया चार्ट कब करते हैं, जब हमारे पास मोस्टली सिंगल लाइन होती है जहां पे हम पूरा एरिया फ्लो देखते चले जाते हैं। कॉम्बो चार्ट का यूज होता है कब, जब हम कॉम्बो चार्ट यूज कब करते हैं, जब हमें दो केसेस में देखना होता है कि टारगेट और सेल्स को क्या फ्लो है, फ्लो और सेल्स, टारगेट और सेल्स का क्या कंपेयरिंग है, उस केस में हम दो चार्ट यूज करते हैं। वाटरफॉल का चार्ट होता है जब हमें मान लीजिए मंथली हमारा है और मंथली हम यहाँ पे अपना देखना चाहते हैं कि मेरा क्या प्रोग्रेस हो रहा है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं। जैसे कि जो क्यूमुलेटिव्स होते हैं, तो मान लीजिए आपने रेकरिंग अकाउंट खोला हुआ है,
और हर महीने आपका जो है इंटरेस्ट और कैपिटल गेन करके आपकी कैपिटल बढ़ रही है। तो गेन सिस्टम, रेकरिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं इसमें। पुनः ये आपको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल चार्ट, समझे सर? कॉम्बो चार्ट होता है जब मुझे दो डिफरेंट फीचर्स को कंपेयर करना होता है, उसमें हम कॉम्बो चार्ट को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रहा, तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज अपनी अमाउंट का टोटल अमाउंट दे दी, ये प्रोडक्ट वाइज अमाउंट आ गया। अब मुझे इसमें दिखाना है कि जो प्रोडक्ट वाइज अमाउंट है उसमें मेरा प्रॉफिट का क्या स्टेटस, मतलब कि हमने अगर यहाँ पे 4 मिलियन सेल किया तो 4 मिलियन में मेरा प्रॉफिट कितना मिलियन। अगर इसको आप अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम इसको अपने जो प्रॉफिट है हमारा, उस प्रॉफिट को हमने लाइन में रख दिया, तो देखिए लाइन वाइज आ गया, तो पता चल रहा है कि पूरा में देखिए यहाँ 3 मिलियन तक पहुंच गया। तो जब दो डिफरेंट पार्ट को इसको कंपेयर करना हो, तो उस केस में हम कॉम्बो चार्ट यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आप देखिए ए बेटर लग रहा है या ए बेटर लग रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड सेल्स, टारगेट एंड सेल्स, इस तरह के जो दो विरोधी होते हैं ना, विरोधाभास होते हैं, अपोजिट जो होते हैं, उसकी कंपेयरिंग के लिए हम कॉम्बो चार्ट, समझे? बिल्कुल अरे स्केटर चार्ट का यूज क्या होता है, स्केटर चार्ट है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूं कि किस एमआरपी से कितनी क्वांटिटी हमारा सेल, नहीं क्वांटिटी तो हमारा यहाँ आएगा, ये वाई में चला जाएगा, और ये देखिए कि हाँ तो ये वाई एक्सिस। ठीक है सर, देखा इसमें क्या समझ में पा रहे हैं आप, कि हमारी मोस्टली जो सेल हो रही है वो हो रही है 30 के आसपास, उसके ऊपर का एरिया घनत्व है नहीं है, और प्रोडक्ट वाइज लेजेंड कर दें तो ये कलर्स अलग अलग आ जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट में कौन सा, अगर रेड कलर ज्यादा है मतलब मोबाइल ज्यादा सेल हो रहा है, समझे? स्पॉट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। तो बहुत सारा चीज में घनत्व देखने के होता है, और इन तीनों चार्ट का यूज जस्ट कंपेयर होता है, शेयरिंग के लिए होता है, परसेंटेज के लिए होता है, कंट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, कि मेरा मान लीजिए कि रीजन वाइज सेल्स है तो किस रीजन में का क्या शेयरिंग है। जहां पे देखिए सब देख पा रहा है साफ कि हमारा जो ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है उसमें बहुत कम सेल हो रहा है, 7% का ही सेल है, सबसे ज्यादा सेल जो है हमारा ये हो रहा है हमारा किसे यूरोप के सेशन में 22% का शेयर, ठीक है ना? तो शेयरिंग सबसे ज्यादा यूरोप में एशिया है 23%, उसके बाद हमारा 22% है। तो शेयरिंग देखने के लिए चाहे ए चार्ट ले लीजिए, चाहे ए ले लीजिए, चाहे ए लीजिए, शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैप चार्ट जोग्राफिकल के लिए यूज किया जाता है, कि जोग्राफिकल चार्ट यूज करें तो उसके लिए मैप चार्ट यूज किया जाता है। अब बात आते हैं कि आप चार्ट की कलर क्या क्या सजेस्ट करें। देखिए कलर के लिए मैं डेटा विजुलाइजेशन कलर के लिए मैंने यहाँ पे एक बना रखा है, चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। दिख रहा है सर, यहाँ देखिए, जैसे आप जब भी आप दो चीजों में दिखाना है कि भाई कि ज्यादा हुआ के सेल हुआ, तो आप जो है ग्रीन कलर के साइड में कुछ इस तरह का लाइट कलर, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये होता है, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ये दुरुस्त है, ये लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम दो कम और ज्यादा में कंपेयर कर रहे हैं ना, कम और ज्यादा में कंपेयर कर रहे हैं, तो कम वाला मेरा पहले आ और ज्यादा वाला बाकी, ठीक है, कुछ इस तरह से।
उसके बाद लाइन चार्ट ले रहे हैं तो इस तरह के सारे एक चार्ट में एक कलर में नहीं लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं सारे एक कलर सभी सही दिखेगा नहीं दिखेगा। आप मल्टीपल कलर ले सकते हैं और उसमें ग्रीन कलर उसको लीजिए जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, रेड कलर को लीजिए जिसमें आपका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें मेरे पास कई सारे सेल्स है, उस सेल्स से मुझे एक को प्रोजेक्शन में एक दिखाना है, एक पे फोकस करना है, तो इस तरह से मल्टी कलर लेंगे तो सामने देखने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। ओके ना सर, आप इस तरह के ग्रे कलर ले, उस ग्रे कलर में जो जिसको दिखाना है उसको एक को कलर करें। बात समझे सर? तो सामने देखने वाला उसका फोकस यहीं पे जाएगा, बाकियों पे उतना नहीं दे पाएगा। लेकिन जब क्लासिफिकेशन की बात हो, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो, उसमें अगर आप इस तरह का सिंबल कलर सिंगल कलर सेट लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। उस केस में हर पार्ट के लिए अलग अलग कलर देना जरूरी है। ठीक है सर, मैप चार्ट्स के भी देख सकते हैं यहाँ पे कि आप किस तरह से यूज कर सकते हैं दो पार्ट, या मैप चार्ट इस तरह का मैप चार्ट रखेंगे तो ठीक रहेगा आपका। कलर शेड आप देख पा रहे हैं, इस तरह से कलर शेड लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो कुछ मैंने बनाया है, एक इमेज आपको मैं भेज देता हूँ, आप देख लीजिए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को कि कैसा कलर क्या चार्ट ले इसमें? देखिए बाकी जो रिबन चार्ट बाकी चीज यूज की जाती है ना, ये चार्ट जो है ना डिमांडिंग और आपको अच्छे दिखाने के लिए यूज की जाती है, इसका किसी एस्थेटिकल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। समझे सर? जैसे कंपोजिशन की टाइप चार्ट है, ये सब चार्ट जो है आप अपने हिसाब से अच्छे के हिसाब से यूज कर सकते हो। रिबन चार्ट का यूज ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकेशन है कि आप यूज करेंगे, कुछ लोग इसको अच्छा दिखाने के लिए यूज कर लेते हैं। इसमें हम देते हैं अपना अमाउंट एंड प्रॉफिट और मैं इसको रीजन वाइज लेजर बना देता हूँ। इसमें भी जा रहा है, इसमें लेजेंड भी नहीं है। बाकी सारे के यूज की जाते हैं सर, ऐसा नहीं है कि उसका यूज मतलब कि फिक्स है डेटा। जहां तक मैंने अभी तक रिसर्च किया है, मैंने बहुत जगह जगह बहुत सारे आर्टिकल्स में बुक्स में पढ़ा है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको समझा। अब अलग अलग चार्ट के लिए कभी अलग अलग चीजों पर यूज की जाती है, तो उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई अच्छे दिखाने के लिए या पर्टिकुलर एक चीजों पे डिमांड होता है, उस डिमांड को देखने के लिए इसका यूज नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे केपीआई, अब केपीआई का फुल फॉर्म होता है की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी कि मुझे क्वांटिटी को देखना, ट्रेंड एक्सिस मैंने डाल दिया, नहीं नहीं मुझे ट्रेंड एक्सिस डालना है क्वांटिटी, और मेरा वैल्यू ये रहा, नहीं टारगेट ट्रेंड एक्सिस मेरा मान लीजिए अमाउंट है, वैल्यू हमारी प्रॉफिट है और टारगेट, और टारगेट में भी मैंने बोला कि मेरा टारगेट जो था वो अमाउंट था। तो ये बता रहा है सर कि गोल 8100 का था और हमारा 90% का यहाँ पे लॉस है। केपीआई के थ्रू दिखाता है, बट इसका यूज है नहीं। केपीआई के मतलब होता है की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, बट यहाँ पे कुछ और दिखा। सिंपल सा आपका जो अब यहाँ पे देखिए, मैंने अपना सम अमाउंट है, एक टेन हमारे अमाउंट का है,
मैक्सिमम सेल 1800 का गया तो 1800 है, तो यहाँ पे ना -90% का लोड दिख रहा है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से ट्रेंड एक्सिस को हटा दूँ और इसके जगह पे अपनी क्वांटिटी रख दूँ, तो ये देखिए क्वांटिटी की जैसे बढ़ रही है वैसे यहाँ पे एरिया चार्ज दे रही, इसका कोई खास इस्तेमाल होता नहीं। हाँ, इसमें एक आता है ए, आपका डिकम्पोजिशन टी आता है, तो डिकम्पोजिशन टी का इस्तेमाल होता है कैसे कि मुझे यहाँ पे पूरे हर एक चीज एक ही साथ दिखाना है। जैसे मैंने मेरा मेन टारगेट क्या है, प्रॉफिट है, तो हमने यहाँ प्रॉफिट के अंदर डाल दिया कि टोटल प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब सम ऑफ प्रॉफिट में एक्सप्लेन बाय, मुझे प्रॉफिट चाहिए रीजन बाय, तो मैंने रीजन को डाला। अब यहाँ पे प्लस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रीजन दिख जाएगा, यहाँ पे रीजन आ गया। अब उस रीजन के अंदर मुझे कंट्री चाहिए, ये डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्री आ जाएगा। अब उस कंट्री के अंदर मुझे चाहिए सेल्स पर्सन, तो सेल्स पर्सन डाल दिया मैंने। तो उस कंट्री के अंदर यहाँ पे क्लिक कीजिए सेल्स पर्सन। अब सेल्स पर्सन के अंदर चाहिए उनके प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पे उनके प्रोडक्ट डाल दिए यहाँ पे। और फिर मुझे उस प्रोडक्ट को मंथ वाइज देखना है कि किस मंथ में सेल हुआ, यहाँ पे मंथ डाला और इसको हमने ईयर क्वार्टर डे हटा दिया। मंथ आ गई, दिख रहा है सर? तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही चार्ट हम हर एंगल से हर जगह पे देख पा रहे हैं, फैमिली ट्री की तरह पूरा दिख जा रहा है। कि मुझे अगर ये पता करना है ऑस्ट्रेलिया का पता करना है, तो यहाँ पे रीजन ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया, इस ऑस्ट्रेलिया में इतने बंदों ने सेल किया है। और मुझे मान लीजिए कविता का देखना है, जस्ट क्लिक ऑन द कविता, कविता के कितने प्रोडक्ट सेल है। मुझे सॉफ्टवेयर देखनी है, सॉफ्टवेयर किस किस मंथ में क्या क्या सेल हुआ है, किया, ठीक है। ये आपका आता है डिकम्पोजिशन ट्री। अब इसमें एक और नई चीज के बारे में हम बात करेंगे, वो है हमारा केपीआई। केपीआई नाम दीजिएगा की ऑफ इंडिकेटर, केपीआई तो बता दिया, की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नहीं मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्वालिटी एंड आंसर, क्यूए, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर। मान लीजिए आपने एक डैशबोर्ड बनाया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है कि जो हमारे मैनेजर को जो जो चीज चाहिए वो सारी चीजें मिल जाए, संतुष्ट नहीं है हम, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम इस क्यूए का यूज करेंगे, जहां पे हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से मुझे चाहिए क्वांटिटी बाय एसपी। आ गया सर? इन लाइन, कलर का नहीं, कलर ब्लू नहीं, ग्रीन, कलर रीड नहीं कर पाता है, चार रीड कर लेगा, कलर रीड नहीं करता। इन टेबल करेंगे तो टेबल में आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय कंट्री, प्रॉफिट बाय कंट्री इन मैप, ठीक है सर? तो ये आपका क्यूए होता है, जहां पे जो यहाँ पे हम लिखेंगे उसके हिसाब से मुझे सेल्स मिलता है। वो डिपेंड करता है कि क्या यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से, समझ गए सर?
आप यहाँ ए समझ गए कि हम कब कौन सा आर्ट यूज करेंगे, कलर कैसे सिलेक्ट करेंगे। साथ में हमने आपके साथ ये बात की कि डिकम्पोजिशन ट्री क्या होता है, हमने बात की क्वेश्चन आंसर कैसे यूज की जाती है, इनको कोई दिक्कत। उसके अलावा अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, सब एक्स्ट्रा मैंने नोट किया हुआ है, तो आप गेट मोर विजुअल पे जाके जो चीजें आपको जरूरत है उसके हिसाब से यहाँ लिख दीजिए। जैसे मुझे स्पीडोमीटर की जरूरत है, तो यहाँ देखिए आपके सामने स्पीडोमीटर, आपके थर्मामीटर भी आ गया, स्पीडोमीटर भी आ गया, दिख रहा है ना सर। अब इसे थर्मामीटर आ गया, इसको मैं यहाँ से लोड कर सकता हूँ। तो ऐसे चीजों को लोड करके आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, कुछ पेड मिलेंगे, कुछ फ्री मिलेंगे, दिख रहा है आपका, कुछ पेड मिलेंगे और कुछ फ्री मिलेंगे, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया, क्लिक कीजिए। अब इसमें आता है टेम्परेचर, टारगेट वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम। तो टेम्परेचर मान लीजिए मेरा प्रॉफिट है, टारगेट जो है मेरा अमाउंट था, ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम डाल सकते हैं, टेम्परेचर में आ जाएगा। फिर टेम्परेचर के अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, कलर है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। तो कुछ अलग आपको दिख रहा है जो आपके विजुलाइजेशन में नहीं है, इसका मतलब उसने उसको गेट मोर विजुअल से लोड किया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि चेंज ओवर टाइम, ये आपको चेंज ओवर टाइम का आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कंपेयरिंग, कंपेयर करने के लिए उसकी जाती है, करेक्शन, करेक्शन यहाँ पे आपके फ्लो फ्लो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए API पे चार्ट नहीं है सर, सर्च करके देख लीजिए, इसमें अच्छे ऐड होते रहते हैं ना सर। नहीं, इसमें नए नए चीज ऐड होते रहते हैं, जैसे गूगल प्ले स्टोर कैसे होता है उसी तरह से यहाँ पे ऐड होते रहते हैं। ठीक है सर, इसका यूज कर सकते हो आप, जैसे ये हो गया, इसको लेते हैं। ये देखिए इस तरह का विजुअल देगा आप, ठीक है सर। यहाँ पे आ जाएगा, तो क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कैटेगरी, तो कैटेगरी मान लीजिए मेरा रीजन है, मेजर्स, मेजर्स से मैंने अपनी अमाउंट डाल दी आगे। इसमें था रिड्यूस स्केल, रिड्यूस स्केल में मैंने अपना प्रॉफिट डाल दी, ठीक है आपका। सबसे ज्यादा लार्ज यही हुआ है, इसी का दिखा रहा है कि लार्ज से ही। इमेज में मैं कंट्री डालू, नहीं इमेज में इमेज डालना होता, इमेज देता हूँ, तो इमेज लिंक है आपके पास, तो डाल सकते हैं। इमेज यू आर एल होता है ना सर, तो इमेज यू आर एल है तो आप डाल सकते हैं इसमें। एक मिनट, इमेज यू आर एल देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया,
रिसर्च, इसमें डेटा वैल्यूएशन में यहाँ पे मैं कंट्री की इमेज लेता USA इमेज रखने पड़ेंगे आपको, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इसी को रिपीट कर देता हूँ, आप लोग अलग कर लीजिएगा। सेव करते हैं और ये में आते हैं,
डेटा फॉर्म एक्सेल करते हैं, जीरो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सी थ्री को लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसको कंट्री और इमेज को आईएमजी को एज ए कॉलम लीडर नहीं मान रहा, तो ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे और यहाँ हम जाएंगे यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर एंड क्लोज एंड अप्लाई। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लेना है हमें, तो इसने बाय डिफॉल्ट पकड़ लिया रिलेशनशिप, कंट्री और कंट्री को नेम सेम था, नहीं तो मुझे रिलेशन करना। इसके बाद वापस टेबल पे आते हैं और इस सीट थ्री पे आते हैं और इसको सिलेक्ट करके अनकैटेगराइज से इसको कर देते हैं इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल। अब यहाँ हमने क्या लिया हुआ है अमाउंट और रीजन, रीजन को हटा के इसके जगह पे मैं रख देता हूँ कंट्री। ठीक है, एक अदर्स को कर दिया, छोटे छोटे कंट्री से अदर्स कर दिया और फिर इस पे हमने अपना इमेज के अंदर में अपना आईएमजी को रख दिया। इमेज अभी लोड नहीं कर रहा, लोड कर लेगा अभी, मुझे इंटरनेट से लोड करता है ना, यहाँ पर ई मेल आ जाए। या हो सकता है इमेज का जो पाथ है वो सही दिया हो नहीं हो, बट आ जाता है यहाँ पे। इसको आप बेटर इमेज वगैरह जेपीजी फाइल में बनाइएगा तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से विजुलाइजेशन देते हैं तो बनाएंगे।